सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन और मैं हूँ मौलिका शर्मा। आज फिर से हम चर्चा करेंगे वैदिक ज्योतिष जुड़ी। आज के यदि हम बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स बहुत परेशान रहते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, उनको लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि बच्चे पढ़ेंगे या नहीं। इससे जुड़े तमाम प्रश्न आपके भी जहन में होंगे, उन तमाम प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित वैदिक ज्योतिष के ज्ञाता गीतांशु जी के साथ। शुभारंभ करते हैं विशेष कार्यक्रम का, बात करते हैं गीतांशु जी के साथ। गीतांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। गीतांशु जी, आज की जो अहम समस्या है परिवार में सबकी है, पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा है, वो है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। कई बार पढ़ते भी हैं, ध्यान नहीं लगा पाते, क्या किया जाए? देखिए, मन तो चंचल है, ध्यान में बड़ों के नहीं रहता है मन काबू में, बच्चों के कैसे हम एक्सपेक्ट करें। मगर ये है कि बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ध्यान तो बहुत देना पड़ेगा। आजकल की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, बहुत बच्चों की तरफ हमको केयर करनी पड़ेगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसमें बहुत मदद कर सकती है। ज्योतिष किस तरीके से मदद कर सकती है, वो ये बता सकती है कि हमारे बच्चे का रुझान किस तरफ है, हमारे बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। कई केसेस में क्या होता है कि बच्चों को डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने कौन सा सब्जेक्ट आगे लेके चलना है। मैं, आप मानेंगे, मैं ऐसे डॉक्टर्स से मिला हूँ जिन्होंने PhD करने के बाद बिजनेस कर रहे हैं, और मैं इस तरीके के लोगों से भी मिला हूँ जिन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करी और बहुत सक्सेसफुल अपनी लाइफ में हुए हैं। हमको ये जानना है कि हमारा मेंटल एप्टीट्यूड किस तरफ है। बच्चे, कई जो शरारते होते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बच्चे ज्ञानी नहीं है। जो बच्चे जिनमें दिमाग बहुत ज़्यादा होता है वो जनरली शरारती होते हैं, तो उनका मन करता है कि मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ, मैं ये भी करूँ। हमारे ज्योतिष में गुरु ग्रह, जिसको हम जुपिटर भी कहते हैं, ये विजडम का कारक होता है। ये इंसान को असल तौर पे बताता है, या इस अगर इसके बल होने से या ये बलि होने से पता चलता है हमको कि हमारा रुझान किस तरफ ज़्यादा रहेगा। हमारा रुझान पढ़ाई की तरफ रहेगा कि हम बिजनेस या कोई और नौकरी की तरफ बात करेंगे। अगर गुरु ग्रह आपका बल है या उसको बल मिला हुआ है अच्छा, तो आप पढ़ाइयाँ वो करेंगे जिनके आपको सर्टिफिकेट मिले। मैंने, आप 12th करेंगे, 12वीं करेंगे, उसके बाद कॉलेज करेंगे, फिर उसके बाद और हायर स्टडीज़ करेंगे, आप हमेशा वो काम करेंगे जिनसे आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे। तो गीतांशु जी, ये संभव है यदि कोई बच्चा अपनी डेट ऑफ बर्थ लेकर जाता है, क्या को पहले ही जान दे कि किस प्रोफेशन में उसे तरक्की मिलेगी या नहीं, क्या ये पहले ही जाना जा सकता है? जी, कुछ हद तक जाना जा सकता है। इसमें मैं इसको प्रोफेशन नहीं कहूँगा, मैं इसको ये कहूँगा कि क्या विद्या उसकी मदद करेगी आगे जाके उसके प्रोफेशन में। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से लोगों ने पढ़ाइयाँ तो बहुत अजीब अजीब सी करी हैं, डिफरेंट करी हैं, मगर वो व्यापार या नौकरी उससे रिलेटेड बिल्कुल नहीं करते। मान लीजिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपके बच्चे ने इस डायरेक्शन में काम करना है, तो आप शुरू से अगर उसको उस तरफ डालेंगे तो वो जल्दी तरक्की करेगा, बहुत छोटी उम्र में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकता है। आपको ये जान के बहुत अचरज होगा और बहुत हैरानी होगी इस बात से कि हमारे साथ बहुत से ऐसे पेरेंट्स और बच्चे जुड़े हुए हैं जिनको हमने बड़ी डिफरेंट तरीके से बताया कि आपकी ये लाइन अच्छी है। जैसे अगर फाइनेंस आपके लिए अच्छा है, तो इसका ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनना है। आप प्लीज़ समझिए इस बात को, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं जिनमें आप जा सकते हैं। जैसे आपकी, मान लीजिए, वाक्पटुता, जिसे इंग्लिश में बहस करने की एबिलिटी या टॉकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो ये एबिलिटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एक लॉयर ही बनेंगे। हो सकता है बहुत अच्छे एक टीवी एंकर बन सकते हैं, बिल्कुल। हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं, हो सकता है कि आप किसी को गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए बहुत अच्छे बन सकते हैं, आप एक अच्छे साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं। मगर ये बात समझनी पड़ेगी कि एक छोटे बच्चे का रुझान किस तरफ है। ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ रुझान हो कैरियर वहीं उसका मिले। जनरली देखा गया है कि आजकल माँ बाप इस तरीके से ही होते हैं कि आपने ये फील्ड लेना है और आगे ये बनना है, जिस तरीके से प्री निर्धारित कर दिया, बच्चों को पहले ही बताना शुरू कर दिया। बट एक और बात समझ के देखिए कि ज़्यादातर इस दुनिया के अमीर आदमी पढ़े लिखे नहीं हैं। बिल्कुल, तो इस बात को आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि वो लोग और लोगों को इम्प्लॉय करते हैं अपने अंडर जो पढ़े लिखे हैं, मगर खुद वो पढ़े लिखे नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पढ़ाई का दिमाग से ज़्यादा कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ग्रह ऐसा होता है जो उनके हर कार्य को संभव करता है, ये भी आप हमें बताएं। इसमें आपको जान के बहुत हैरानगी होगी कि मंगल इसमें बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। मंगल एनर्जी का स्वरूप है।
मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कभी आपको टूटने नहीं देता और हार मानने नहीं देता, और इसका सिंपल सा एस्पेक्ट यह है कि वो कभी गिव अप नहीं करते, कभी वो हार नहीं मानते। तो जो लोग अपनी ज़िंदगी में जल्दी हार मान जाते हैं उनका मंगल कमज़ोर रहता है। इसका पढ़ाई से लेना देना नहीं है, इसका सिर्फ मेहनत से लेना देना है। दूसरा ग्रह जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है बुध। बुध हमारी जनरल इंटेलिजेंस का कारक है, हम कितने इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट का मतलब ये है कि हम एक प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या हमारे पास लोग आते हैं सोल्यूशन के लिए या हम लोगों के पास जाते हैं कुछ मदद मांगने के लिए। अगर हम लोगों के पास जाते हैं तो इसका मतलब बुध हमारा कमज़ोर है, और लोग अगर हमारे पास आते हैं सलाह के लिए तो इसका मतलब बुध हमारा स्ट्रांग है। बहुत सुंदर बात आपने बताई। हम भी कहना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों को कि दर्द सबके एक जैसे होते हैं, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर, निराश होकर टूट जाता है, तो कोई संघर्ष कर आगे बढ़ जाता है। हमें हमेशा जीवन में संघर्षवान ही रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत बातें आप हमें बता रहे हैं गीतांशु जी। एक विशेष प्रश्न और भी उठता है, कई बार बच्चे बहुत ध्यान लगा कर पढ़ाई करते हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते, क्या कारण है? देखिए, ज़्यादातर इस चीज़ में ध्यान नहीं देना चाहिए हमको कि नंबरों के पीछे आजकल भागना है। बिल्कुल, हमारे हिंदुस्तान में ये पद्धति चलती जा रही है कि 97-99 वाला ही टॉप है, बाकी सारे पीछे हैं। अकल का और हुनर का, इसका पढ़ाई से लेना देना कम है। आप इस बात को देखेंगे, अपनी सोसाइटी में ऑब्जर्व करेंगे कि जिन बच्चों के 60% भी आए थे कभी, हम अपने स्कूल टाइम को याद करें, स्कूल में सब बच्चे कोई ऊपर था कोई नीचे था, बट आप ये नहीं देखेंगे कि जितने टॉपर थे वही लाइफ में ऊपर हुए। जिनको हम देखते थे कि उनका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था, वो भी आज कहीं लाइफ में पहुँच गए हैं और बड़े बन गए। तो अकल के ऊपर बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, माँ बाप को भी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक बात मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि हर ग्रह का एक नक्षत्र होता है, जिस तरह हर शरीर की एक आत्मा होती है, हर ग्रह का एक नक्षत्र होता है। ज़रूरी नहीं है कि जिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं वो स्ट्रांग हो। अगर कोई कहता है कि आपका बुध कमज़ोर है, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है कि उसका नक्षत्र इतना बली हो कि उस ग्रह को वो आगे ले कर चला जाए। तो नक्षत्रों की पहचान कैसे हो, ये भी बताएं। नक्षत्रों की पहचान के लिए आपको हमें लिखना पड़ेगा, आपकी डिटेल डेट टाइम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा, और जो ग्रह या नक्षत्र अपने सवालों के साथ हमको बताना पड़ेगा, हम उसके बारे में आपको बता सकते हैं कि इसमें ग्रह बली है या नक्षत्र बली है, आपको इन दोनों में से किसकी तरफ ज़्यादा काम करना चाहिए। ज़्यादा दिक्कत वहाँ आती है जहाँ पर नक्षत्र और ग्रह दोनों अलग अलग दिशाओं के हैं। जैसे मैंने कुछ देर पहले बात करी कि लोगों ने पढ़ाई तो कुछ और कर रखी है मगर आज काम वो कुछ और तरीके का कर रहे हैं, तो कई बार बचपन में कोई ग्रह मजबूत होता है, जवानी में कोई ग्रह मजबूत होता है, बुढ़ापे में जाके कोई और ग्रह मजबूत होता है। तो उसके लिए उचित टाइम कौन सा होता है, ये भी बताएं। उचित समय बर्थ का समय हमको जानना ज़रूरी है, जब आपका बर्थ हुआ था उस समय हमको जानना ज़रूरी है, उस हिसाब से ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आगे चल के आपके कौन से ग्रह ज़्यादा बली रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कैलकुलेशंस या फिर प्रिडिक्शन गलत हो जाए? जी, बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि जन्म समय को निर्धारित करने की पद्धति कोई ऐसी फिक्स नहीं है, मगर इसके लिए ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे कोई डिस्क्रिपेंसी या कोई दिक्कत रहती है तो उसके बारे में तीन कुछ प्रश्न ऐसे मेन उनकी लाइफ के बारे में पूछे जा सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से, और उनकी टाइमिंग करेक्ट करी जा सकती है। जी गीतांशु जी, वो प्रश्न क्या है, हम चाहेंगे उनके विषय में भी आप जरूर बताएं। देखिए, जैसे मेजर लाइफ के इवेंट्स ऐसे हुए, जैसे मान लीजिए कि आपका विवाह कब हुआ, ये एक मेजर इवेंट है। फर्स्ट चाइल्ड बर्थ कब हुआ, आपकी स्कूलिंग कब कंप्लीट हुई, आपके माता पिता का उनकी कोई लाइफ में कोई मेजर ऑपरेशन हुआ, कोई मेजर प्रॉब्लम, कोई एक्सीडेंट लाइफ में आया, तो उनसे हम आपकी लाइफ के डेज को और टाइमिंग्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे उनको हम निर्धारित समय मान लीजिए, आपने स्कूलिंग पर्टिकुलर तारीख को ख़त्म करी और आपका जन्म का समय पक्का नहीं आपको पता, हो सकता है 2 से 4 के बीच में हो जैसे लोग पहले कहते थे, तो ऐसे 3-4 कुछ लाइफ के इवेंट जो फिक्स्ड हैं, जो समय फिक्स थे, वो फिक्स डेटों के हिसाब से हम आपके हॉरोस्कोप को करेक्ट कर सकते हैं। जी, बच्चों की पढ़ाई के लिए किस ग्रह को स्ट्रांग किया जाए, आप हमें बताएं। देखिए, बच्चों की सबसे बड़ी तो बात यह है कि अगर जिस बच्चे का मन पढ़ाई में लग जाए वो पढ़ जाता है, तो ज़्यादातर दिक्कत चंचल भाव की रहती है, जो चंचल मन है उसको कंट्रोल करना पड़ता है, और ये मन चंद्रमा का कारक है और चंद्रमा माता के ऊपर डिपेंड रहती है या माता का सबसे बड़ा कारक होता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट हर माता से रहती है कि एग्ज़ाम के समय पे माताएं बच्चों के पास थोड़ी देर बैठें, उनको अपने पास से कुछ ऐसी बात बताएं जिनकी उनका ध्यान लगे, और अगर बच्चा थोड़ा सा अग्रेसिव है तो उसकी 2 मिनट बात सुन लें, इस समय उसको कम गुस्सा करें। माता का आशीर्वाद चंद्रमा को या मन को बहुत बल देता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कर सकते हैं वो ये है
कि आप अगर घर में कोई चांदी की छोटी कटोरी या चांदी का छोटा ग्लास है तो उसमें पानी भर के रखिए और बच्चों को कोशिश करिए कि वो ज़्यादातर पानी चांदी के बर्तन से ही पिए। जिन लोगों के पास में चांदी का बर्तन नहीं है वो पानी में चावल रख सकते हैं, चांदी का एक छोटा सिक्का भी रख सकते हैं या एक मटका रख सकते हैं, मगर उस मटके में कम से कम 24 घंटे पानी पड़ा रहे और वो पानी रेगुलरली बच्चों को दें। बहुत सुंदर। अपने तमाम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज है, नीचे स्क्रॉल में लगातार हमारी ईमेल आईडी आ रही है, आप तुरंत उस ईमेल आईडी पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी जानकारी आज इस कार्यक्रम के जरिए आप हमें दे रहे हैं। एक विशेष बात आप हमें बताएं, जब एग्जाम्स चल रहे होते हैं उन दिनों में किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को, आप हमें बताएं। देखिए, एग्ज़ाम के टाइम पे स्ट्रेस बच्चों के दिमाग में बहुत रहता है, समय चल रहा है, इस समय माताओं और पिताओं को ये देखना चाहिए कि खुराक बच्चे की थोड़ी ठीक रहे, क्योंकि कंपटीशन का भी टाइम है। जी जी, बहुत बड़ा टाइम है कंपटीशन का। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा सूर्य के बीच में बैठना या धूप लेनी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। हमारी जो असल मस्तिष्क का मालिक है वो सूर्य है, बेसिक विजडम जो आती है हमारी वो सूर्य से आती है। पहले ज़माने में लोग बहुत धूप में बैठते थे, सारा टाइम बाहर बैठ के खेलते थे, सारी क्रियाएं बाहर होती थी। अब हम घरों के अंदर आ गए, कुछ समय की और कुछ और पाबंदियां बच्चों पे इतनी हो गई हैं कि बाहर खेल ही नहीं सकते, जगह ही नहीं बची। तो कोशिश ये करें सबसे पहले कि बच्चों को थोड़ी देर धूप में ज़रूर बिठाएं और ऐसी खुराक दें जिनसे उनका माइंड थोड़ा सा फ्रेश रहे। और सबसे बढ़िया चीज़ इसमें यह है कि खीर, आपको जान के हैरानी होगी कि खीर मन को बहुत बल देती है। पहले हमारी नानी दादियाँ अगर ध्यान हो तो ऐसा करती थी कि पूर्णमासी की रात में खीर बना के बाहर रख देती थी। बिल्कुल। और उस खीर को आपको अगले दिन सुबह खाना होता था। वो खीर में इतनी सूर्य की चंद्रमा की इतनी किरणें आ जाती थी कि आपका मन उससे बहुत बल हो जाता था, उसको बहुत बल मिलता था। बिल्कुल। तो कोशिश ये करिए कि उनको खीर ज़रूर खिलाइए। जी, और कौन सी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना वाकई बहुत ज़रूरी है? थोड़ा सा व्यायाम ज़रूरी है, थोड़ा सा इस तरीके से करिए कि जैसे बच्चे, जो बच्चे चंचल हैं उनको थोड़ी थोड़ी देर की ब्रेक चाहिए होती है, वो कंटिन्यूसली नहीं पढ़ सकते। अब ये दो ग्रहों की वजह से होता है, एक बुध और एक मंगल, इनकी एनर्जी लेवल अगर बहुत हाई है तो कोशिश करिए कि ये पढ़ाई के बाद 10-15 मिनट कहीं टहलाएं या कुछ खेल के आ जाएं ताकि इनकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। जो बच्चे लंबे समय तक पढ़ सकते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उठने की उनको ज़रूरत नहीं है, बट उनकी खुराक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और कोशिश ये करिए कि थोड़ी सी डायरेक्शन का उस टाइम पर ख्याल रखिए जब बच्चों का एग्ज़ाम होता है, ईस्ट नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट, कोशिश करके बच्चों को इस जगह पर बिठाइए पढ़ने के लिए, यहाँ पे पढ़ा हुआ सबक बहुत जल्दी उनको याद हो जाएगा। जी गीतांशु जी, कई बच्चे इतने चंचल होते हैं जिनके जीवन में टिकाव नहीं होता है, वो क्या करें? उनको दौड़ लगवाइए, उनको पार्क में ले जाइए और बच्चों से कहिए कि वो दौड़ लगाएं। देखिए, चंचलता दो तरीके से होती है। अगर शरीर की चंचलता, जो एनर्जी बच्चों में होती है इतनी हाई, वो नहीं निकलेगी तो वो एनर्जी मन में आ जाएगी और मन डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। हर 2 मिनट बाद उसको कोई नई चीज़ चाहिए, आप उसको संभाल बच्चे को नहीं पाएंगे। तो क्या दिक्कत है कि जो बच्चा चंचल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी सिर्फ एनर्जी लेवल बहुत हाई है। उस एनर्जी लेवल को थोड़ा सा फिजिकली मॉड्यूलेट करिए, उसको किसी फिजिकल एक्टिविटी में डालिए, उसको घर में बंद करके मत रखिए। कोशिश करें कि वो फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, स्किपिंग करे, दौड़े, साथ में उसको घर के अंदर टीवी के समय सारा टाइम ना दीजिए, इंडोर गेम्स की तरफ ना जाके उसको आउटडोर गेम्स की तरफ ज़्यादा पुश करिए। जी, कई बार ऐसा होता है कि गलतियां बच्चे करते हैं जिसका भुगतान माता पिता को करना पड़ता है, लेकिन लोग कहते हैं कि क्या आपके माता पिता ने आपको सिखाया नहीं, समझाया नहीं, तो वहां पर माता पिता का क्या रोल बनता है, आप हमें बताएं। देखिए, ये तो बात फैक्ट है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से बड़ों का साया बच्चों पे कम है। बिल्कुल, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि हमको पिता होते हुए दादे का रोल और नाने का रोल करना पड़ता है। देखिए, कुछ ग्रह इस तरीके से हैं जैसे राहु और केतु, ये ग्रह हमारे ननिहाल और हमारे दांत के साइड को ज़्यादा गवर्न करते हैं। आप इस बात को जान के हैरानी होगी आपको कि क्योंकि हम अपने ननिहाल से, इन जगहों से बहुत दूर हैं, इस वजह से आजकल हमको ये ग्रह को ज़्यादा तंग कर रहे हैं। घर में अगर हम अपने ननिहाल नाना के घर की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो हमको कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कम तंग करते हैं, क्योंकि वो ग्रह उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब हम वहाँ जाते ही नहीं, कोई बातचीत ज़्यादा कर ही नहीं पाते, मान लीजिए उस शहर से बहुत दूर हैं, उनका साया या आशीर्वाद हमारे पे नहीं है, तो ये एक चंचलता का कारण बन जाता है। आप देखेंगे जो बच्चे अपने नाने नानकों और दादकों की तरफ से, ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ नहीं ज़्यादा रुकते, वो बच्चे को ज़्यादा चंचल होते हैं।
तो उनके लिए क्या कुछ विशेष किया जा सकता है, ये भी आप हमें बताएंगे दानिश देखिए, जी। नाना दादा का आशीर्वाद बच्चों को मिलना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड करें, उनके साथ छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों में बच्चों में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। हर ग्रह का एक जीवित रिप्रेजेंटेटिव भी है। जैसे सूर्य पिता का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है, मंगल भाई का कारक है, बुध बहन और भुआओं का, मासियों का कारक है, इस तरीके से राहु और केतु ननिहाल और दातकों की साइड का कारक है। जिन जो बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं या अपने नाना दादा की तरफ वो ज़्यादा जाते रहते हैं, दोनों का प्यार बराबर उनको मिलता रहता है, आप देखेंगे कि वो बच्चे चंचल कुछ कम होते हैं और वो इंटेलिजेंट नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा होते हैं। जी टीचर्स, क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स भी हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं गीतांशु जी, तो हम चाहेंगे उनके लिए भी आप ज़रूर कुछ बताएं। देखिए टीचर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो गुरु ग्रह के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हर तरीके से बच्चों के लिए माँ बाप से बढ़कर गुरु हैं। बच्चों को ये चाहिए कि आजकल जिस तरीके का युग चल रहा है, लोग टीचर्स को बहुत लाइटली लेते हैं। प्लीज़ अपने गुरु जन की रिस्पेक्ट करिए। देखिए ये गुरु ग्रह एक तीन चीज़ों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों का कारक है। सबसे पहले ये ज्ञान का कारक है, दूसरा ये आपके लीवर का कारक है, और तीसरा सबसे बड़ी बात ये कि आपके के रुपये पैसों का कारक है। आपको ये ध्यान के सोच के बड़ा अजीब सा लगेगा कि वही गुरु जिसको आशीर्वाद गुरु का बच्चों को बहुत मिला है, वही आगे चल के बहुत ज्ञानी और बहुत पैसे वाले भी रहे हैं। गुरु ग्रह एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। प्लीज़ रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने बड़ों का आदर करें और बच्चों की खूब रिस्पेक्ट करें। जी उपाय स्वरूप क्या कुछ विशेष बताएंगे गीतांशु जी, ये भी आप हमें कहें। देखिए मैं ज़्यादातर बड़े कॉम्प्लेक्स उपाय में नहीं जाता कि ये नग, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ये रहा है कि नग आपको बहुत 20-20 साल लगा देते हैं उपाय इनके करने में। पीपल के पेड़ को जल दीजिए। जिस बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, उसको नहा धो के संडे के दिन को छोड़ के पीपल के दिल पीपल की जड़ में वो दूध दे या जल दे, जिससे गुरु ग्रह को बल मिलेगा। गीतांशु जी कई सारे हमने बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके हाथों में काफ़ी सारे नग पहने हुए होते हैं, ये क्या चीज़ें होती हैं? देखिए एक बात को समझिए, अगर परमात्मा ने आपके अंदर लाखों करोड़ों कोशिकाएं दी हैं, एक दिमाग दिया है, एक लीवर दिया है, एक दिल दिया है और एक शरीर भरपूर दिया है, तो एक छोटे मोटे जो नग उन्होंने लगाने थे वो नग भी दो चार लगा के भेज देते जब इतना कुछ लगा के भेजा था। तो सोच के देखिए, मैं बड़ी प्रैक्टिकल आपसे और बड़ी साइंटिफिक बात करता हूँ। हमारी जो वैदिक ज्योतिष शास्त्र है ना, वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है, उसको आपको समझना पड़ेगा। वो उसने जो सबसे बड़ी शक्ति आपको दी है वो मन की दी है, और उसमें एक मस्तिष्क दी है। छोटे बच्चों को नग डालने का मतलब ये है कि हम अगर एक ग्रह को मजबूत करते हैं तो एक ग्रह का, जैसे हमने बात करी कि एक अलग नक्षत्र होता है और हर ग्रह की ज़्यादातर दो राशियाँ होती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम नग डाल देंगे तो दोनों की दोनों ठीक हो जाएंगी। ये दोनों राशियाँ ऑपोजिट चलती हैं, अगर एक को हम स्ट्रांग करते हैं तो दूसरी थोड़ी सी वीक हो जाती है नगों के हिसाब से। तो मेरी कोशिश यही सबको रहती है कि नगों की जगह और बहुत से स्ट्रांग नेचुरल उपाय हैं जो जीवित स्वरूप में करे जा सकते हैं, जो दोनों राशियों को बहुत बल देते हैं और नक्षत्रों को भी अच्छा बल देते हैं, उनकी तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। नग ठीक है, जाएंगे किसी के पास में तो वो कुछ ना कुछ दवाई तो डॉक्टर देगा ही। बिल्कुल जी। वैदिक ज्योतिष सिखाता क्या है, ये विस्तार पूर्वक बताएंगे दानिश जी। देखिए जैसे हमारा शरीर जब हम पैदा होते हैं तो बहुत छोटा सा होता है और बहुत कमज़ोर होता है, ऐसे ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कहना ये है कि हमारी जो हॉरोस्कोप होता है जब वो नया होता है वो भी बड़ा कमज़ोर होता है। हम कुछ ग्रह कमज़ोर लेके पैदा होते हैं, कुछ ग्रहों को बल मिलता है जो समय के साथ बल बढ़ता जाता है। जैसे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता रहता है, वैसे हमारे ग्रह भी आगे चल के कुछ ग्रह हमारे कर्मों के हिसाब से कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ ग्रह हमारी मेहनत और कर्मों के हिसाब से बल भी उनको मिलता है। वैदिक ज्योतिष ये मानती है कि 30-35% सिर्फ प्रारब्ध है, बाकी सारा का सारा आप अपनी किस्मत इस जन्म में खुद लिखते हैं। इस 30-35% में आप जान के हैरान होंगे कौन चीज़ें आती हैं। हमारे माँ बाप जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारे भाई बहन, हमारे करीबी मित्र जिनका हमने कर्जा लेना या देना है, हमारे पति पत्नी, हमारे बच्चे, हमारा स्वास्थ्य, हमारा ब्रेन, और इस ब्रेन को हम कितना इम्प्रूव आगे कर सकते हैं, ये तो आप सोचिए कि इस 35% से ज़्यादा कितना कुछ है हम जो इस जीवन में बदल सकते हैं। और इसका मतलब जो इस ज़िंदगी में सुखी है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा सुख पीछे से लिखवा के आया, उसने बहुत मेहनत करी होगी इस जन्म में भी इस सुख को पाने के लिए।
बहुत सुंदर। चलते चलते एक बार फिर से बता दें, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कार्यक्रम से जुड़ी कोई क्वारीज है, कार्यक्रम के अंत में आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, अगले बुधवार हम फिर हाजिर होंगे, जी हाँ, वैदिक ज्योतिष से जुड़ा अद्भुत ज्ञान लेकर। गीतांशु जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।